हाय नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल माई सेल्फ इज श्वेता जी। और आज का जो मेरा टॉपिक है, ईएसआईसी से हमें कैसे मेडिसिन मिलेगा या कैसे हमें ईएसआईसी से मेडिसिन को कलेक्ट करना है। जब आपको ईएसआईसी हॉस्पिटल में आपने विजिट किया, डॉक्टर को चेकअप किया, उसके बाद डॉक्टर ने आपको क्या किया है, मेडिसिन लिख दिया है। तो मेडिसिन जैसे ही वो आपको लिख देगा, तो ईएसआईसी कार्ड में आपका जो पैनल ईएसआईसी का ऑफिस लोकेशन मेंशन है, उस लोकेशन में फिर आपको विजिट करना है, जाके आपको अपना ईएसआईसी कार्ड सबमिट करना है और वहाँ उसके बाद वो आपको एंट्री करेंगे। फिर आपको पैनल डॉक्टर के पास जाना है, जो मेडिसिन आपको डॉक्टर लिख दिए हैं वही मेडिसिन वो क्या करेंगे, आपको ऐसे नीले कलर का और पिंक कलर का फॉर्म में ईएसआईसी में पैनल डॉक्टर आपको लिख देंगे। उसके बाद आप जाके जहाँ पे मेडिसिन डिपार्टमेंट है, आप वहाँ पर जाके ये स्लिप दिखाइएगा, आपको मेडिसिन दे देंगे। जो मेडिसिन अवेलेबल नहीं रहेगा, नीले कलर का जो ये शीट सेम नीले कलर का देगा, जो कि मेडिकल डिपार्टमेंट जो मेडिसिन डिपार्टमेंट है वो सबमिट कर लेते हैं अपने पास, वो आपको उसमें लिख देंगे कि ये दवाई नहीं अवेलेबल है, आपको इसको बाहर से खरीदना पड़ेगा। फिर आपको वो जब चाहें आप इन फ्यूचर आप वो बिल को सबमिट भी कर सकते हैं। होप कैसे हमें मेडिसिन कलेक्ट करना है ईएसआईसी पे, ये उस पर आपको मैं अच्छे से बोल पाई हूँ। अगर आपको ईएसआईसी का मेडिसिन कलेक्ट के बारे में कुछ भी और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच।